अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है, मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। मायूस कॉरपोरेशन, ये वो लोग हैं जो कहीं भी हाथ डालते हैं और उनकी चीज नीचे आ जाती है। जबकि कई जगहों पे देखा जाए तो हमारे यहाँ जितने भी लोग कारोबारी हलका है उस पर तरक्की हो रही है, उसमें उनका कारोबार भी चल रहा है। जिस चीज़ की आज डिमांड है उस तरफ लोगों का रुझान भी है। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल नेक्स्ट कोला की है, कोला वन की है, उनकी प्रोडक्शन की है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, उनके नए आइडियाज़ हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। वो लोग अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं उन लोगों के साथ जो लोग शामिल होते हैं मायूस कॉरपोरेशन में। ये वो लोग हैं जब मुल्क से बाहर होते हैं तो वहाँ की बुराई करते हैं और फिर पाकिस्तान आ जाते हैं, और फिर जब पाकिस्तान आते हैं यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं और फिर दोबारा बाहर जाने की बातें करते हैं। तो इन लोगों से आपने दूर रहना है, बराए करम मशवरा उन लोगों से कीजिए जहां से लेना बनता है। मैं अपनी मिसाल लेकर देता हूं, मेरे साथ क्या हुआ। मेरे कजन ने मुझसे कहा कि वकार भी क्या हैवल कार मुझे लेनी चाहिए। तो मैं बेवकूफ जो हाइब्रिड कार चला रहा हूं उसे क्या पता हैवल कार का। उसने भी मशवरा दे दिया, क्या जरूरत है लेने की, जजमेंट के तौर पर क्या जरूरत है लेने की, चाइनीज कार है, कोई जरूरत नहीं है। उसने नहीं ली। और फिर जब आज 220 से उसका शेयर जब 700 में गया तो अब समझ में आ रही है कि भाई नहीं, वो तो एक अच्छी कंपनी की गाड़ी थी, लेनी चाहिए थी। और फिर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसका मैं कौन होता हूँ उसका जवाब देने वाला या मशवरा देने वाला। तो मैं भी उस मशवरे में कूद पड़ा बेवकूफ़ों की तरह। जिसने मशवरा लिया उसने भी बेवकूफ़ी की, और जिसने मशवरा दिया वो भी बेवकूफ़ था, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया ही नहीं बनता कि मैं उस चीज़ का मशवरा दूँ जिसका मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इसी तरह से वो बंदे जिसने DHT कराची, बहरों कराची में आज तक कुछ परचेज ही नहीं किया, उनसे मशवरा लेना बंद करें बराए करम। अब अगर आज आपको घुटनों में दर्द है तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप घुटनों के डॉक्टर के पास ही जाएंगे। इसी तरह से गुलशन म्यांमार नॉर्थ नाबाद के ब्रोकर से आपका DHT कराची और बहरों कराची का प्लॉट लेना बेवकूफाना अमल है। खुदा रहा इन बातों को समझे, इस पे गैप आना भी अमल है, गैप भी मिलेगा आपको, बेशक वो जितना ही आपके साथ सिंसियर ही क्यों ना हो। मैं भी अगर आपसे काम कर रहा हूं, मेरे साथ जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको मैंने आज तक ये बात बताई है कि अगर मैं DHT कराची बैठा हूं कराची और DHT काम करता हूं तो तू मुझसे रब्ता करें। अगर आपको मेहमान का प्लॉट बेचना है स्कीम 33 का तो वहां के ब्रोकर से रब्ता करें। एक बात अब आ जाए, उनसे बात करते हैं जो ये कहते हैं कि वकार भाई आगे जाके मार्केट अच्छी होगी, आप बेशक रेट नीचे आए तो आप हमें बता क्यों रहे हैं, आप इस मीडिया में आके क्यों बता रहे हैं, इससे कुछ सनसनी फैलेगी, इससे बायर कंफ्यूज होगा। आज का दौर मीडिया का दौर है, कोई भी चीज छुपती नहीं है। अगर मेरा एक आज बायर है उसे मैं बता रहा हूं कि सोच समझ के लो, देखभाल के लो, 4-6 महीने में रेट बढ़ने नहीं वाले, तो मैं उसके साथ एक नेकी कर रहा हूं, चाहे वो मुझसे प्लॉट ले या ना ले। मेरा काम है पैगाम पहुंचाना। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जब लोअर लोड लगते हैं सबके सामने आते हैं ना, अपर लोड लगता है तो भी सामने आता है। तो इसी तरह से अगर आज DHT कराची की मार्केट नीचे आ रही है, इससे बुराई क्या है, हाँ आ रही है, इसको मान लें। अगर पहले 21-22 लाख रुपए का 9E का प्लॉट चला गया था और 7.5-18 का आज मिल रहा है 17.5-18 में, तो इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। 6E का प्लॉट 22-23 लाख में मैं आज ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा, लेकिन वही प्लॉट 26-27 लाख का मैंने बेचा है, आज मेरे पास बाहर मौजूद है, मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही चीज। इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि सेलर जो है उसने ऊपर का रेट देखा हुआ है, रेट हम नीचे मांग रहे हैं। बायर ऐसा है कि जिसके कुछ 2-3 साल की होल्डिंग है वो नीचे के रेटों में मांग रहा है, अब उसे 2-3 महीने तक रेटों के नीचे में नहीं मिलेगा, वो ऊपर के रेटों में मिलेगा। यही मसला सेलर के साथ भी है कि अगर वो माल बेचने के लिए आ रहा है और उसका माल अगर नहीं बिकता महीने डेढ़ महीने तो वो रेट नीचे गिरा देता है। तो यहां तो सारा का सारा मामला ही सेलर और बायर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें ब्रोकर का कोई किरदार नहीं कि वो रेट नीचे गिरा है। मेरा काम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, आपको आगाह करना है, जिसमें हमारे पिछले ब्रोकर्स हमेशा हमारे साथ ज्यादती करते रहे, रेट नीचे होते हुए भी बताते नहीं थे,
और रेट जब ऊपर जाता था तो खुद उठा लिया करते थे और फिर बेचते थे। तो इन चीजों से बचने के लिए आज की मार्केट कैसी चल रही है इसका खुलासा लेके रोज आपके सामने आता हूं। आपको ये बताता हूं कि रोजमर्रा में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दो फाइलें अल्हम्दुलिल्लाह रोज बेच ही रहे होते हैं, और अगर रेट नीचे आता है तो अवामुन नास के लिए फायदा है, इन्वेस्टर के लिए वक्ती तौर पर तो नुकसानदेह है, और उसके लिए तो खास तौर पर नुकसानदेह जो 4-6 महीने के लिए होल्डिंग करके ट्रांसफर करा के बेचने के लिए कर रहा है। तो वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि हमें रोजमर्रा के तौर पर ये अपडेट नहीं देनी चाहिए, मेरे ख्याल है वो गलती पे हैं, और अगर उनको मुझसे कुछ इख्तलाफ है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर।